तेरा मौसा जी बैठा ना उधर कॉपी चेक करने, इधर बेचारे बच्चों की गांड फटी पड़ी हो, तुम्हें शेयर बटन पे बैठ के काला जादू करना है। बहन की लोड़ी शेयर बटन है, वो अलादीन से निकला जिन नहीं है जो तेरी कोई भी एंडी बेंडी इच्छा पूरी कर देगा। मजाक बना के रखा है मादर चोद। पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। उस रात बेचारे पांडे जी बिन छतरी बारिश में भीग गए, नतीजा ये बिना लंड के बेटे पैदा हो गए। कितना स्ट्रगल है इनकी लाइफ में यार, आधी रात ट्रेन में लोग खर्राटे मार रहे हैं और इन बेचारों की मेहनत चल रही है। मैं तो कहता हूँ नाटू नाटू से ओस्कर वापस लो और इनके मुंह पे फेंक के मारो बहनचोद। से कर रहा हूँ लेकिन बस देख रहा है, आएगा नहीं यहाँ पे। तो तू क्या चाहता है कि तेरे पास आके नागिन डांस करूँ मैं बहनचोद? अपने टशन में बैठे सिकंदर को तू मामूली बंदर समझ रहा है? आदर सम्मान छोड़ के चुटकी बजा के बुलाएगा तो लपड़ ऐसा बजाऊंगा कि पूरे घर में डीजे माफिक बजेगा और हर दो कदम पे मुत्ता फिरेगा मादर चोद। नहीं बिल्कुल नहीं, गेट नहीं खुलेगा ना, सुबह घूम के आते हो ना मॉर्निंग वॉक, वही काफी है। देख तेरे पास दो ऑप्शन है, पहला गेट खोल दे और दूसरा गेट खोलना ही पड़ेगा नहीं तेरी खोपड़ी खुल जाएगी। व्यापार के टाइम पे वकीलात मत चोद, शनिवार का दिन है, वसूली करने जा रहा हूँ बहन चोद। मेरी वीडियो मत बनाओ बहन चोद, इसी चक्कर में तो दादा दिन्नू की दुकान पे धुआं उड़ाते हैं ताकि लोगों को पता न चले कि भांगड़ बिल्ला सस्ते नशे करता है। धूम्रपान पड़ेगा महंगा मादर चोद। मिथिलेश तू बदल गया भेड़ चोद, बरसों पुरानी दोस्ती में दोगलापन करने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा? तेरे को पता है कैसे मैं सारा दिन मेहनत करके तेरे लिए रील देखता हूँ, तेरे पास शेयर करता हूँ और तू बिन देखे ही ऊपर ऊपर से लाइक कर देता है। गद्दारी करता है मादर चोद। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है ना मोहब्बत। और ऐसे टिकटॉकर्स की दुकान में ना पैसे टिकते हैं ना कस्टमर। चंदू चोदुमल बाल काटे हैं तूने, प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर दी तो चिंपांजी जैसा रिएक्शन दे रहा है मादर चोद। ये साला मेरा जिम ट्रेनर ज्ञानी तो ऐसे बनता है जैसे आइंस्टाइन का लंड घोल के पी लिया इसने। मेरे पास आके बोलता है मिथिलेश भाई बॉडी शोडी तो बनती रहेगी, तुम ये वाली एक्सरसाइज ट्राई करो, 2024 में जो लाइन ऐसी तलवार जैसे निकल के आएगी सलवार फाड़ दोगे, बाप लगोगे ऋतिक रोशन के। चिड़ियाघर से भागा कंगारू लग रहा हूँ भेंचोद। एक अपनी चीज जो आपको बहुत ज्यादा फेवरेट आपकी हो? माय वाइफ। योर वाइफ? वाइफ को छोड़ थोड़ा अपनी लाइफ पे भी ध्यान दे ले, ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों का रोबोट बना के फेंक दिया पाकिस्तान ने, गुटका चबा चबा के चेहरे का चतुर्भुज बना लिया लेकिन लोंडियाबाजी बराबर कर रहा कुपोषित कन खजूरा। और ये कौन सी कंपनी है जो ऐसे बच्चे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? नहीं ये क्या बात हुई कि पहले हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े हो जाओ और फिर दरियाई घोड़े जैसा एटीट्यूड दिखा दो? मैं तो कहता हूँ डायरेक्टर साहब को शैतान चौराहा बुलाओ और जूतों की माला पहना के गेल चौदह अवार्ड से सम्मानित कर दो। गाइस मेरे पास दो दो गर्लफ्रेंड है, एक और दो, अगर एक और आती तो मजा ही आ जाता। आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो कर रहा है तेरे को अनइंस्टॉल कर दूं पृथ्वी पे से। अबे ये क्या दरिंदा पैदा हो गया भाई यहाँ पे, मुतने भी जाता होगा तो पेंट की चेन में लुल्ली फंसा लेता होगा लेकिन लड़कियाँ तीन तीन चाहिए नवाब के चौदे को। देख तुझे अंग्रेजी डांस आता है, बहुत अच्छी बात है यार, शैतान चौराहे पे जाके नंगा नाच, मेरे को मत दिखा, नहीं फिर मुझे भी बारातियों वाला नागिन डांस आता है, दिखाऊं? तेरी माँ की मियाओ मियाओ मियाओ। मुझे लग ही रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है जब इसने बोला कि चल दबा दबी का खेल खेलते हैं। मैं नाम सुनते ही हक्का बक्का रह गया, मैंने कहा ये कैसा खेल है, तो गड्ढा खोद के जिंदा ही दफना गया भेन का लैंड।
वीडियो बना रहा है ना, है ना, है ना नॉटी बॉय। मोबाइल बंद करके जेब में पटक ले, नहीं तेरी गांड पे लाल कपड़ा लपेट के काले सांड को समर्पित कर दूंगा। मैं तो चूतिया बैठा हूँ ना यहाँ पे, मेरी तो गांड फटती है भूत प्रेत की आवाज से। दरवाजा तो ऐसा बंद करके गई है जैसे कि मैं अपना आपा खो बैठूंगा। अरे ऐसा भूत भूत की माँ की चूत तीन बार। अच्छा तो ये इतने बड़े बड़े पंख क्या तेरी माँ चुदाने के लिए लगा रखे हैं मैंने? इतनी औकात हो गई कि तू भैया गुग्गू को स्केटिंग सिखाएगा? स्केटिंग करते हुए तू मुस्कान तक नहीं पहुँचेगा, उधर में उड़ता हुआ पाकिस्तान के कब्रिस्तान में तेरी कब्र खोद दूंगा चूतिये। हाँ मदारी का खेल चल रहा ना यहाँ पे, मैं बंदर हूँ जो कि तेरे इशारे पे नाच के दिखाऊंगा। लपड़ ऐसा खींच के मारूंगा आधे शरीर में चिकनगुनिया हो जाएगा मादर चोद। हाय गाइस, तो सब मुझे कह रहे थे इससे मिलाओ, तो ये रमेश है, एक सुंदर सा कुत्ता। कुत्ता है या बाप है तुम्हारे? सोशल मीडिया की गांड में इतना भी ना घुसो कि आंखों में बवासीर की शिकायत हो जाए। कल को घर से बाहर निकलोगे घोड़ा समझ के किसी के लोड़े पे सवार हो जाओगे। हमें इंट्रोड्यूस कराएंगे अखलंडी मादर चोत। हाँ मदारी का खेल चल रहा ना यहाँ पे, मैं बंदर हूँ जो कि तेरे इशारे पे नाच के दिखाऊंगा। लपड़ ऐसा खींच के मारूंगा आधे शरीर में चिकनगुनिया हो जाएगा मादर चोत। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम करते हो। देख ज्यादा भेन मत चुदा, तेरे ऊपर एक दो वीडियो बना दी इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ऐसे किसी शरीफ बिल्ले से जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। हाँ तो फिर ये कहो ना कि ठीक नहीं है, ये क्यों कहते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? तेरी माँ की चुत। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरे जैसे खूंखार बिल्ले को ये मुर्गा फार्म में क्यों पटक रखा है। बेचारे मुर्गों की फटी पड़ी होगी क्योंकि उनको पता है सेहत के लिए कितना हानिकारक हूँ मैं। हिम्मत तो देख, हमला ही कर दिया तेरी माँ की चुत साले। मिथिलेश तू बदल गया भेड़ चोत, बरसों पुरानी दोस्ती में दोगलापन करने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा? तेरे को पता है कैसे मैं सारा दिन मेहनत करके तेरे लिए रील देखता हूँ, तेरे पास शेयर करता हूँ, और तू बिन देखे ही ऊपर ऊपर से लाइक कर देता है। गद्दारी करता है मादर चोत। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती।